जबलपुर कालीपुत्र आश्रम में मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। पर्व ग्वारी घाट स्थित कालीपुत्र आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्यों द्वारा गुरु का पूजन वंदन किया गया, जिसमें जबलपुर ही नहीं आसपास के अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में शिष्य गुरु का पूजन करने सुबह से ही आतुर रहे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कालीपुत्र आश्रम में आए हुए सभी भक्त व शिष्यों के लिए भोजन प्रसादी का प्रबंध किया गया। शिष्यों द्वारा गुरु का पूजन कर उन्हें भेंट व उपहार दिए गए। वहीं गुरु ने शिष्यों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनु चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और गुरु पूर्णिमा जो पर्व है, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है इस भूमि में मृत्युलोक में, और ब्राह्मण ही गुरु की, ब्राह्मण गुरु शरीर हो उससे दीक्षा लेना चाहिए। आपको नर्मदा तो दर्शनार्थे मुक्ति, नर्मदा के दर्शन मात्र से मोक्ष की जिस तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी तरह से ब्राह्मण तो दर्शनार्थे मुक्ति, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको मात्र ब्राह्मण के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु और शिष्य का आज मिलन ये बहुत पुरातन आदिकाली से अनादिकाली से चला आ रहा है। मैं आज एक गुरु धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए शिष्य को कैसे श्रेष्ठ बनना है, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी का भरी हुई माँ बाप का कटोरा को पान कर लिया था तो स्वामी विवेकानंद हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक माँ की का कंसण अपने शरीर में ले लिया। सतगुरु को कोई रोग व्याधि नहीं होता, वो आत्मा होता है, शरीर नहीं होती। शरीर में जिस तरह से मंदिर में आप भगवान को प्रतिष्ठित कर देते हो, उसी तरह से शरीर की में एक आत्मा जो एक रूप में स्थापित है, वही कहते हैं उसी को गुरु, गुरु गुरु तत्व, जो शिष्य उसको पीता है। तो रामकृष्ण परमहंस जब उस माँ का कैंसर आया, रामकृष्ण परमहंस का, और सारे शिष्यों ने दूर डॉक्टर को बुला करके उस कष्ट को उस दवाई करवाते थे, उस अचानक शरीर में जो व्याधि थी उसकी दुर्गंध भी शरीर से लोग शिष्य बाहर खड़े होकर के कोई नाक में कोई मुंह में बांध करके और दवाई करवाते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश से लौटे तो जब उनको पता चला कि रामकृष्ण परमहंस हमारे पूज्य गुरुदेव जी को कैंसर की बीमारी हो गई, चौहारे से दौड़ते हुए और बिलखते हुए लिपट गए और एक कटोरा लिया, कटोरा में रुआ से मावाद निकालने लगा और उस मावाद को जब पीने लगे तो रामकृष्ण परमहंस इसको बाहर कर दे। स्वामी विवेकानंद ने कहा जिसके बाहर की कृपा से आज स्वामी विवेकानंद और अंदर की अमृत को आप बोल रहे हैं बाहर कर दे, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद होते हैं। तो आज मैं देश के इस भूमि में, विश्व में, पूरे विश्व को संदेश चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि ये चैनल वहां तक आवाज पहुंचाए कि स्वामी विवेकानंद पैदा हो, शिष्य स्वामी विवेकानंद एक हुए और जो भी गुरु के पास जाता है वो स्वामी विवेकानंद बन के जाए, यही मैं आशा करता हूँ और यही मैं अपेक्षा करता हूँ इस भूमि में। इस भूमि में रामकृष्ण परमहंस भी हैं, अगर शिष्य स्वामी विवेकानंद जैसे भाव वाला आएगा तो रामकृष्ण परमहंस जिस तरह से राम ने भेष देख करके रावण को साधु मान करके अपनी पत्नी का हरण करवा लिया, अगर उस भाव से हम आएंगे तो हम स्वामी विवेकानंद बन के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पूरे विश्व में, पूरे भूमि में सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत ये संदेश के माध्यम से अपेक्षाएं। आप इस शब्द को ग्रहण करिए और आत्म तत्व को, अपनी उन्नति को, अपनी श्रेष्ठता को, अपनी प्राप्तता को, अपनी धर्म को आप जाने समझे, उसको पिए। जय श्री कृष्ण।